हाँ जी, सैयद बात कर रहे हो? जी सैयद बात कर रहा हूँ। सैयद किरण बात कर रही हूँ ओम ग्लोबल से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी हाँ जी, यूएस का वीजा ग्रांट हुआ है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी थैंक यू। बस वो उन्होंने सवाल से कोई खास नहीं किया, बस वो पासपोर्ट से बोला कि आप छोड़ दें एक वीक बाद। ठीक है, आपका वैसे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो आप? पाकिस्तान। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो। पहले कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी आपकी? जी जी मेरी थी, वो फॉर्म पे लिखा हुआ था सारा। मैंने अभी यूके का भी वीजा दिया था, उससे पहले मेरी ट्रेवलिंग हिस्ट्री थी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है सैयद, क्या है हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जिनको ये रहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो होल्डर्स होते हैं उनके लिए यूएस का वीजा लेना टफ है, तो आपके क्या रिव्यूज हैं उसको लेके? मेरा रिव्यूज तो यही है कि नहीं वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए ट्रेवलिंग हिस्ट्री सबसे मेन चीज है। जो आप लोग जिस तरह से केस बनाते हैं, फिर जो चीजें लिखते हैं वो चीजें सही है बिल्कुल, उसी तरह से डाल के फिर उसी से रिलेटेड सवाल भी किए थे उसने, जॉब वगैरह के रिलेटेड, जो जॉब में इनकम से मतलब और बैंक अकाउंट पूछा था बस बर्बली के कितने। ओके okay, और आपको लगता है कि जो आपने यूके का वीजा लिया है इसका आपको बेनिफिट मिला है यूएस का वीजा ग्रांट लेने में? बिल्कुल किसी का बेनिफिट मिला है, लेकिन उनको खुद पता होगा कि मेरे पास शायद यूके का वीजा है, उसने वर्बली मुझसे भी पूछा था कि आपके पास कौन कौन का वीजा हो। हाँ, क्योंकि DS-160 में हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं ना कि आप कौन कौन से कंट्री में ट्रेवल्ड हो या फिर आपके पास वीजा है, और दूसरा यूके का तो स्टिकर वीजा होता है दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन पासपोर्ट, राइट? सो लाइक कब सोच रहे हैं ट्रेवल करने का फिर यूएस आप? देखिए यूके जाऊंगा पहले तो थोड़ा दोस्तों से मिलूंगा, फिर उसके बाद जून जुलाई मतलब मैच के लिए भी हो सकता है चला जाऊं या उसके बाद जाऊं, अभी तो बस लेके रखा है। तो फिर अब आप रिकमेंड करोगे अपने दोस्तों को कि वो भी यूएस का वीजा अप्लाई करे ओम ग्लोबल से? हाँ बहुत से दोस्तों ने खुद रिकमेंडेशन से ही आया था, आप लोगों ने पहले एस एल समी का लगवाया था ना पाकिस्तान? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच सैयद, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, एंड होप वी विल स्टे इन टच फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।